अतिथि से पहली भेंट में हमारे यहाँ उसे कुछ भेंट दी जाती है जो मैं आपके लिए लाया हूँ सम्राट। तोहफा हमें पसंद आया और यकीन है कि इस तोहफे के जरिए जो पैगाम आप देना चाहते हैं वो भी हमें पसंद आएगा। इस वस्त्र को फाड़ने का प्रयास कीजिए सम्राट। सावधान, यदि वस्त्र फट गया तो किसी कार्य का नहीं रहेगा। वस्त्र यदि अपनी इच्छा से बुना हुआ हो तो उसे फाड़ना नहीं पड़ता। बस उचित धागे को खींचिए और वस्त्र फिर से आपके सामने धागा बनकर उपस्थित होगा, जिसे फिर आप मनचाहे रूप में बुन सकते हैं। अगर सम्राट संदेश समझ गए हो तो कल प्रातः फिर भेंट होगी। नमस्कार। भाषा बड़ी समस्या होती है भाई। पर एक बार समझ में आ जाए तो जीवन में उतनी ही सहजता आ जाती है। जाओ, कल के लिए साथी को सर्च करो। मेरे लिए तुम्हें कल एक काम करना होगा लाची। क्या पुरु? पहले वचन दो कि तुम मेरे आग्रह को अस्वीकार नहीं करोगी। ये तो आग्रह सुनकर ही बताया जा सकता है। तुम पहले से अधिक खट्टी हो गई हो लाची। सुनो, अब हमें अलेक्जेंडर से कोई भय नहीं। तक्षशिला और उसकी प्रजा सुरक्षित है। किंतु इस सुरक्षा का मूल्य समझ रहे हैं आप पिताश्री? क्या अपनी सुरक्षा के लिए हम पुरु के प्राण शत्रु के हाथों में दे देंगे? ये हम कैसे कर सकते हैं पिताश्री? जिसके आभार के भार तले हम ही नहीं हमारा पूरा राष्ट्र झुका है, क्या उसी के साथ छल कर देंगे हम? अलेक्जेंडर कल तक हमारा शत्रु था जो कि हमें उससे हानि का भय था, परंतु आज वह हमारा मित्र है और जिससे हमें हानि हो सकती है वो पुरु हमारा दुश्मन है।
हमें केवल अपने लाभ के विषय में सोचना है अमृत कुमार। भेड़िया रक्तपान करना नहीं छोड़ सकता। आज आपका मित्र है, कल आप पर ही तलवार उठाएगा वो। यदि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच और साहस की सीमा बढ़ानी होगी। यदि हम अपने स्वार्थ के विषय में सोचेंगे तो तनिक सोचिए, इस राष्ट्र का क्या होगा, भारत का क्या होगा? कौन सा राष्ट्र, कौन सा भारत? तुम्हारा राष्ट्र तक्षशिला है। गुरु की भांति अखंड भारत का राग अलापना बंद करो। हमारा कर्तव्य है केवल तक्षशिला की रक्षा करना। नहीं पिताश्री, यदि आपने अपना निर्णय नहीं बदला तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। इतिहास वो लिखवाते हैं जो शासन करते हैं। राजा का कर्तव्य अपने निर्णय से सभी को प्रसन्न करना नहीं होता, बल्कि राष्ट्र और प्रजा के लिए उचित निर्णय लेना होता है। और मैं एक राजा होने का कर्तव्य निभा रहा हूं। अंबी कुमार को राजनीति की कुछ सीख देना चाह रहे हैं। एक युवराज होकर भी एक राजा के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ है। ये उचित अनुचित कुछ नहीं होता तक्षशिला नरेश, सब कुछ दृष्टिकोण है। निर्भर करता है कि हम किसके दृष्टिकोण से कहानी सुना रहे हैं और सुनने वाला उसे किस दृष्टिकोण से समझ रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? महाराज, सूर्य चंद्रमा से लाखों गुना बड़ा है, फिर भी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आता है तो दिन में अंधकार कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि चंद्रमा अचानक सूर्य से बड़ा हो गया। ग्रहण हमारे दृष्टिकोण में है, सूर्य चंद्रमा के आकार में नहीं। वैसे ही एक शक्तिशाली सम्राट के सामने झुककर अपनी प्रजा की रक्षा करना आपके अनुसार उचित है, किंतु उसका सामना करके अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंबी कुमार का दृष्टिकोण भी अनुचित नहीं। सबसे महत्वपूर्ण यह है महाराज, आपका निर्णय जो भी हो वो पूर्णतः स्पष्ट हो और उसके आज के और आने वाले कल के परिणाम हम समझ सके। निर्णय आपको लेना, क्योंकि राजा आप हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं आचार्य, कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं तो उसमें तक्षशिला का भला निहित है। तो फिर आदेश दें, कल प्रातः पुरु को यवनों को कैसे सौंपना है? इसे शब्दों में समझाना कठिन होगा आचार्य, मेरे साथ आइए। अलेक्जेंडर यहां से हिंदुकुश के पर्वतों को पार करते हुए दक्षिण में आकर ये पर्वतों को पार करके जैसे ही तक्षशिला में प्रवेश करेगा और हम यहां तक्षशिला और हिंदुकुश पर्वतों के मध्य में अपनी सेना के साथ अलेक्जेंडर का स्वागत करने को उपस्थित होंगे। योजना के अनुसार गुरु यहां और यहां दोनों ओर अपनी सेना के साथ छिपा होगा और अलेक्जेंडर के सामने आते ही गुरु की अपेक्षा होगी कि हम अलेक्जेंडर पर आक्रमण कर देंगे, किंतु ऐसा कुछ होगा नहीं। हमारी भूमिका वही समाप्त और प्रस्ताव के अनुसार हम पुरु को अलेक्जेंडर को सौंप देंगे। उसके बाद अलेक्जेंडर पुरु के साथ क्या करता है यह उसका निर्णय होगा। आज का सूर्योदय हम सबके जीवन में परिवर्तन लाने वाला है पिताश्री। मातृभूमि पुकार रही है पिताश्री, अलेक्जेंडर के पंजे से उसकी रक्षा करने के लिए, और उसी के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं।
आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है गुरु। तुम्हारे मन का अंतर्द्वंद समझ सकते हैं पुत्र। एक ओर तुम्हारी माता संकट में है, जिसे आशा है कि उसका पुत्र उसके लिए लौट कर आएगा, और दूसरी ओर तुम्हें अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध पर जाना है। जननी और जन्मभूमि में से किसी एक को चुनना था मुझे, और आप तो समझ सकते हैं ना कि आपके पुरु ने ऐसा क्यों किया। समझते हैं, क्योंकि तुम्हारी माता ने हमें अखंड भारत का अर्थ समझाया था। उसी ने हमें समझाया कि यदि विदेशियों से हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, तो हमें सबसे पहले अपने आंतरिक मतभेदों को भुलाना होगा। और जिस समय वो भले हमारे साथ ना हो, किंतु जब उसे ज्ञात होगा कि उसके पुत्र ने उसे नहीं बल्कि उसकी मातृभूमि को चुना, तो उसका सिर गर्व से उठ जाएगा। किसी के लिए भी यह कहना सरल है कि वो अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, किंतु जब उसी मातृभूमि के लिए कुछ करने का समय आता है, तो ऐसा बलिदान करना सरल नहीं होता। इसलिए तुम विशेष हो पुरु, क्योंकि राष्ट्रहित में अपनी जननी की सुरक्षा तक का बलिदान कर देने का साहस है तुम में। एक पुत्र ने हमें अपमानित किया, परंतु तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। पर एक पुत्र के लिए अपने पिता को कष्ट में देखना बहुत कष्टदायी होता है पिताश्री। मैं आपको ऐसे दुर्बल नहीं देख सकता। विलाप का समय नहीं है युवराज पुरुषोत्तम, ये पौरव राज का आदेश है। उठो युवराज, अपनी तलवार दो हमें। देखा कौन कहता है हम दुर्बल है। पौरव राष्ट्र का युवराज, भारत का रक्षक भी बिना कोई प्रश्न किए हमारे आदेश का पालन करता है। अब
भी तो इतनी शक्ति शेष है कि ये तलवार लेकर तुम्हारे साथ युद्ध में जा सके। जब हम मां को लेने जाएंगे तब आप अवश्य मेरे साथ चलेंगे पिताश्री, पर मातृभूमि के लिए यह युद्ध मेरा उत्तरदायित्व है। जाओ पुत्र, और इस प्रकार युद्ध करना कि तुम्हारे माता पिता ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र सदियों तक तुम पर गर्व कर सके। पोरस विरुद्ध सिकंदर 327 ईसा पूर्व, तक्षशिला अध्याय। सियोस के बेटे अलेक्जेंडर से बेहतर और कोई नहीं। आज ऐसी क्या वजह हुई कि मलिका फौज के साथ कूच करने को तैयार है? वजह आप जानते हैं शाह। अगर मिलने की वजह वो है तो आने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम जंग के लिए नहीं सुलह के लिए जा रहे हैं, और सुलह में वो मौजूद नहीं रहेगा। शाह, एक मामूली सूबे से सुलह के लिए इतना बेकरार नहीं हो सकते। मुझे यकीन है कि आपकी इस बेचैनी का सबब वो पोरस ही है, और यही वो वजह है कि मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, ताकि जब आपका सामना उस पोरस से हो तो उस चुभन का दर्द मैं आपके चेहरे पर खुद देख सकूं। कई बार मैं सोचता हूँ रॉक्सेन, कि तुम में ऐसा क्या है जिसने मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। उफ, ये तीखी सोच, ये कातिल आंखें, और मेरे सामने खड़े होकर बेखौफ अपनी सोच रखने का ये हुनर, शायद यही है जो मुझे तुमसे और मोहब्बत करने पर मजबूर करता है। तुमने मेरा दिया पहला तोहफा ठुकरा दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेशकीमती तोहफा देने वाला हूं, पोरस का कटा हुआ सिर। कटे हुए सिर के तोहफे देना या लेना तुम्हें बेहद पसंद है ना रुक से? तुमने मुझे डरायस का सर तोहफे में दिया, मैं तुम्हें पोरस का सर दूंगा। आओ मेरे साथ, आज तुम्हें मालूम चल जाएगा कि दुनिया मुझे सिकंदर क्यों कहती है। अम्बी कुमार, तक्षशिला का ध्वज लहराकर पुरु को संकेत दिया जाए कि सभी कुछ योजना के अनुसार हो रहा है, ताकि उसे हम पर संदेह न हो। अलेक्जेंडर को हमारी मातृभूमि से पराजित होकर ही वापस लौटना होगा।